जय गोपाल, आप सभी दानदाताओं के सहयोग से ऐसे गौ माता के जो कमजोर गौ माता आती है उनके प्राण बचाए जा रहे हैं। ये गौ माता 7-8 दिन से इलाज हो रहा है, काफ़ी सुधार आया, अभी खाने पीने में RL चढ़ रहा है। राजस्थान का एकमात्र छोटे बछड़ों का गौशाला, आप खुद देख सकते हो बछड़े खड़े हैं और बीमार गौ माता आते हैं उनका इलाज करते हैं। आप सभी दानदाताओं के सहयोग से ये गौ भक्तों के दिए हुए दवाई से इलाज हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोग से ऐसे कई गौ माता के प्राण बचाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह जो कमज़ोर बछड़े हैं उनके लिए जीम रहे हैं, 2-3 दिन हरा चारा आया, फिर हरा चारा रखने की कोई कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से आप सभी दानदाताओं के सहयोग से इन बछड़ों के प्राण बचाए जा रहे हैं। राजस्थान का एकमात्र छोटे बछड़ों का गौशाला, और वैसे तो सभी बछड़ों के महीने में एक दो बार ट्रीटमेंट तो होता रहता है, क्योंकि यहाँ कमज़ोर बछड़े ही लाए जाते हैं और पॉलीथीन खाए हुए हैं, और ज़्यादा कमज़ोर बछड़ों के दवाई वाली बात तो पहले है मैं आपको बताऊं। और प्रतिदिन आप लाइव सेवा और इलाज देख ही रहे हो, ऐसे कमज़ोर बेसहारा बछड़े आते हैं तो उनको, और यह ऐसे कमज़ोर बछड़े हैं, और विशेष कभी कभी सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है तो कभी कभी दाड़े की चूरी की या हरे चारे की 5-5 दिन की तंगाई रहती है, थोड़े बहुत तैयार होते हैं तो भी वापस उसी स्थिति में चले जाते हैं। उसकी वजह से ये 5 दिन बीच में चूरी नहीं था, अभी गौ भक्तों के सहयोग से वापस चूरी देना चालू किया। और ये जो कमज़ोर छोटे बछड़े आप देख ही रहे हो और प्रतिदिन ऐसे आते हैं, उनका इलाज भी करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल, आप सभी गौ भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।